बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हेयर इज योर लेक्चर नंबर 4 ऑफ बीएस 8 सेमेस्टर। हेयर इज द हाईलाइट दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर, दैट वी अप्लाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल ऑन द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि हम इसमें एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ एग्जांपल्स पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स दे लेते हैं और जो है इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं ताकि हमें जो भी आपको इसमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर सकें, और कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप काउंट कर सकें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स में आपको दिखाया है, मैं आपको नज़र भी आ रहा है, तो यहाँ पर जो है हम इसको दोनों मेथड्स के थ्रू जो है सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके पास आयनिक मेथड एंड कवलेंट मेथड दोनों मेथड्स हैं। तो आयनिक मेथड के थ्रू अगर हम इसको देखें, तो एक साइड पे हम आयनिक मेथड ले लेते हैं और सेकंड साइड पे कवलेंट। कवलेंट मेथड आयनिक मेथड एंड कवलेंट मेथड। आयनिक मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो आयनिक मेथड में जो यहाँ पर रहीनियम मेटल है, जो कि आपने देख लेना है कि इसके ऊपर क्या चार्ज है, तो यहाँ पर सिर्फ मिथाइल जो है जो कि एनायनिक लिगेंड है, बाकी जितने भी लिगेंड्स हैं ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, जिसमें न्यूट्रल लिगेंड्स में फॉस्फीन्स आ जाते हैं आपके पास, ट्राइलकाइल फॉस्फीन, एल्कीन भी न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल भी न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये सारे पांचों लिगेंड जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पर जो सिर्फ मिथाइल है जो कि एनायनिक लिगेंड है, उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो मिथाइल। सो रहीनियम के ऊपर जो है वो +1 चार्ज होगा। तो रहीनियम वैसे मेटल जो है वो D7 सिस्टम है, तो 7 जो है इस इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करता है। तो यहाँ पर अब इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो +1 चार्ज होने की वजह से ये अब इसके ऊपर ये ऑक्सीडाइज हो गया है, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट जो है आपके पास आगे फॉस्फीन्स, तो 2 फॉस्फीन्स अवेलेबल हैं, तो एक फॉस्फीन जो है लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो 2 फॉस्फीन लिगेंड्स होंगे, तो जो है ट्रायल काइल फॉस्फीन्स, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास कार्बोनिल लिगेंड्स जो इस कॉम्प्लेक्स में है वो 2 हैं, तो ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। मिथाइल C2H4 जो है न्यूट्रल लिगेंड, अल्कीन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। इसी तरह जो मिथाइल है CH3, आयनिक मेथड में जो मिथाइल लिगेंड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। सो टोटल अगर आप इसको काउंट करें तो आपके पास जो है 6 + 4 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी 10 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, तो 14, 15, 16 एंड 17, 18। तो टोटल जो इस कॉम्प्लेक्स में आपके पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट किए हैं बाय आयनिक मेथड। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स कवलेंट मेथड। अब आपने इसी सेम कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं कवलेंट मेथड के थ्रू। तो अब हम मूव करते हैं रहीनियम, यहाँ पर रहीनियम जो मेटल है, यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये D7 सिस्टम है, तो D7 सिस्टम होने की वजह से ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 इसके अंदर फॉस्फीन लिगेंड्स हैं, तो 2Pr3 विल डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 कार्बोनिल लिगेंड्स हैं, तो इसके अंदर तो दो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। C2H4 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। CH3 जो है मिथाइल, यहाँ पर कवलेंट मेथड में ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जबकि आयनिक मेथड में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो अब आप टोटल करें इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पर 7 + 4 = 11, 2 कार्बोनिल जो हैं 4 डोनेट करें तो 11 + 4 = 15, अल्कीन 2
टू का रहे तो 16, 17 एंड वन फ्रॉम मिथाइल तो टोटल जो है 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो देख लिया आपने कि इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप आयनिक मेथड के थ्रू भी देखें या फिर कवलेंट मेथड के थ्रू, तो आपके पास टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जांपल तो ये हमारे पास एग्जांपल है का, इसको हम कहते हैं कोबाल्टोसीन कॉम्प्लेक्स। तो इसको भी आयनिक मेथड एंड कवलेंट मेथड के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट को। यहाँ पर ले लेते हैं आयनिक मेथड एंड कवलेंट मेथड। तो आयनिक मेथड में कोबाल्ट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो सीपी रिंग्स जो हैं वो अटैच्ड हैं और कोबाल्ट जो है वो सैंडविच्ड है बिटवीन दीज टू सीपी रिंग्स। तो एक जो है सीपी रिंग जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो दो सीपी रिंग्स होंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो 2 CP नेगेटिव हैं तो मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो कोबाल्ट के ऊपर जो है चार्ज जो आ जाएगा वो होगा +2। तो कोबाल्ट वैसे तो ये D9 सिस्टम है, तो D9 सिस्टम होने की वजह से ये 9 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, लेकिन अब इसके ऊपर +2 चार्ज है तो +2 चार्ज यानी कि ऑक्सीडाइज्ड होके तो ये अब 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो टोटल जो है आप अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो ये 7 + 12 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करेगा आयनिक मेथड के थ्रू आपने कैलकुलेट किए। अब हम इसको कवलेंट मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो कवलेंट मेथड में जो कोबाल्ट मैंने बताया कि D9 सिस्टम है, तो ये 9 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और दो सीपी रिंग्स हैं, तो सीपी रिंग्स यहाँ पर जो है न्यूट्रल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं 2 CP, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो टोटल जो है इसमें इस तरह से 19 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो दोनों में आपने दोनों मेथड्स के थ्रू, आयनिक मेथड एज वेल एज कोवेलेंट मेथड के थ्रू, आपने इसमें कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किए, इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए हैं जो कि 19 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब हम फर्दर एग्जांपल की तरफ प्रोसीड करते हैं। जैसे कि आपके पास कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में जो आपके पास दो सीपी रिंग्स अटैच्ड हैं टाइटेनियम के साथ, तो ये दोनों सीपी रिंग्स जो हैं वो आयनिक फॉर्म में अगर आप देखें या आप जो है आयनिक मेथड या कवलेंट मेथड के थ्रू, तो अब हम इसको दोनों मेथड के थ्रू हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं, आयनिक मेथड एंड कवलेंट मेथड। तो आयनिक मेथड में सबसे पहले तो टाइटेनियम को देख लें, तो इसमें जो मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा कि ये इसके साथ जो एसोसिएटेड लिगेंड्स हैं सीपी लिगेंड एंड दिस सीपी लिगेंड, दोनों सीपी लिगेंड्स ये एनायनिक लिगेंड्स हैं, तो आप इसको लिखेंगे 2 CP नेगेटिव जो कि 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। और दो क्लोराइड लिगेंड्स अटैच्ड हैं इसके साथ, तो दो क्लोराइड लिगेंड्स का मतलब आयनिक मेथड में अगर दो क्लोराइड लिगेंड्स अटैच्ड हैं तो इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो अब मेटल के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा कि इसके साथ जो चारों कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स हैं वो आयनिक फॉर्म में हैं यानी कि एनायनिक लिगेंड्स हैं, तो अब इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो +4 चार्ज हो जाएगा। तो टाइटेनियम जो है वैसे ये D4 सिस्टम है, तो D4 सिस्टम होने की वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो अब जब इसके ऊपर टाइटेनियम के ऊपर +4 चार्ज होगा यानी कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, अब ये जो है 0 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसके काउंट करें तो 12 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 CP नेगेटिव एंड 2 क्लोराइड जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है टोटल जो है 16 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। इसके अंदर टोटल जो है 16 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आप कवलेंट मेथड के थ्रू हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं जो कि टाइटेनियम
मैंने भी बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा क्योंकि d4 सिस्टम है, 2 सीपी रिंग्स हैं, तो सीपी रिंग्स मैंने भी बताया कि कवलेंट मेथड में हम इसको मेंशन करते हैं कि ये 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। क्लोराइड जो है 2 क्लोराइड लिगेंड्स हैं, तो क्लोराइड लिगेंड जो है एक क्लोराइड लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो दो होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो अब हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, तो इसमें भी 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स आपको देगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अनदर एग्जांपल। ये कॉम्प्लेक्स जो है इसमें 2 टाइप्स के लिगेंड्स हैं, एक जो है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिगेंड हैं जो कि न्यूट्रल नेचर के हैं, और एक जो है वो क्लोराइड लिगेंड है जो कि एनायनिक लिगेंड है। तो इसके ऊपर जो है इसको भी हम आयनिक मेथड एंड कवलेंट मेथड के थ्रू डिस्कस करते हैं। आयनिक मेथड में जो रोडियम है दिस इज D9 सिस्टम, तो D9 सिस्टम है, तो क्लोराइड लिगेंड होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज जो है -1 है, तो रोडियम मेटल के ऊपर जो चार्ज होगा वो +1 होगा। तो ये +1 होने की वजह से, ऑक्सीडाइज होने की वजह से, ये अब 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। 3 जो हैं इसके अंदर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन्स हैं, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो ये 3 है, तो 3 होने की वजह से ये 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। एंड रिमेनिंग क्लोराइड लिगेंड जो है आयनिक मेथड में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो टोटल जो लिगेंड्स होंगे, टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स जो ये मेटल डोनेट कर रहा है वो 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डोनेट करेगा। अब इसको कवलेंट मेथड के थ्रू भी देख लेंगे। कवलेंट मेथड में, इन कवलेंट मेथड रोडियम एज इट इज D9 सिस्टम विल डोनेट 9 इलेक्ट्रॉन्स, 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कॉम्प्लेक्सेस विल डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 क्लोराइड लिगेंड विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और टोटल वैलेंस, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है इस कॉम्प्लेक्स के लिए वो क्या होगा, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दोनों मेथड के थ्रू जो है आपने कैलकुलेट कर लिया कि इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। स्टूडेंट्स, अब हम ये लास्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें भी हम आयनिक मेथड एंड कवलेंट मेथड के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं ले रही हूँ आयनिक मेथड और इस साइड पे मैं ले रही हूँ कवलेंट मेथड। तो आयनिक मेथड के थ्रू जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो इस मेटल के साथ जो है कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स जितने भी हैं, इनके ये जो 6 कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स हैं इसके साथ कार्बोनिल वो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, तो जो जो चार्ज होगा मेटल के ऊपर वो 0 होगा, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ बल्कि फ्री फॉर्म में है। तो जो टंगस्टन है ये D6 सिस्टम है, तो D6 सिस्टम होने की वजह से ये 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो इसके साथ जो एसोसिएटेड जो लिगेंड्स हैं कार्बोनिल लिगेंड्स वो 6 कार्बोनिल लिगेंड्स एसोसिएटेड हैं, तो टोटल जो हैं ये 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये इस कॉम्प्लेक्स में वो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब कवलेंट मेथड के थ्रू भी हम इसको देख लेते हैं। कवलेंट मेथड में, कवलेंट मेथड में जो है टंगस्टन W, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये D6 सिस्टम है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और 6 कार्बोनिल लिगेंड्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो 6 कार्बोनिल लिगेंड्स 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, तो टोटल जो है ये कॉम्प्लेक्स 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, जो कि दोनों मेथड्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये सेम है।
स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पेंटा कार्बोनिल आयरन, पेंटा कार्बोनिल आयरन। अब हम इस पे भी आयोनिक मेथड एंड कवलेंट मेथड अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। आयोनिक मेथड है, कवलेंट मेथड। आयोनिक मेथड में देखें तो यहाँ पर जो आयरन के साथ अटैच्ड कार्बोनल्स हैं ये सेम नेचर के हैं, यानी कि हम इस कॉम्प्लेक्स को होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसमें जो कार्बोनल्स हैं ये न्यूट्रल लिगेंड अटैच्ड है, तो न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो आयरन के ऊपर ऑटोमेटिकली क्या होगा, जीरो चार्ज होगा, हैविंग नो चार्ज। तो आयरन जो है D8 कॉम्प्लेक्स है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। D8 सिस्टम है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, और इसके साथ जो 5 कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से आपके पास जो है टोटल FeCO5 यानी कि जो पेंटा कार्बोनिल आयरन है ये 18 इलेक्ट्रॉन्स देगा, या 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपको देगा अकॉर्डिंग टू आयनिक मेथड। नेक्स्ट अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं इसमें कवलेंट मेथड के थ्रू। तो कवलेंट मेथड में आयरन जो है उसमें हम चार्ज नहीं शो करेंगे, D8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा और 5 कार्बोनिल अटैच्ड हैं इसके साथ तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। सो टोटल अगर हम इसमें काउंट करें 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरह से हमने इसमें भी, इस कॉम्प्लेक्स में भी हमने आयनिक मेथड एंड कवलेंट मेथड दोनों के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज CP2Ni। दिस इज आल्सो सेट टू बी निकलोसीन, निकलोसीन जो कि क्या है, मिटैलोसीन है एक। अब मिटैलोसीन की जो है ये टाइप है निकलोसीन, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल है वो इनकॉर्पोरेटेड जो मेटल है दो सीपी रिंग्स के दरमियान में वो निकल है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज निकलोसीन। तो अब इसका स्ट्रक्चर भी हम पहले बना लेते हैं। निकल इज सैंडविच बिटवीन टू सीपी रिंग्स, तो ये है निकलोसीन। अब हम इसको आयनिक एंड कवलेंट मेथड दोनों मेथड के थ्रू जो है इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। हियर वी टेक आयनिक मेथड एंड हियर कवलेंट मेथड। आयनिक मेथड में जैसे कि सीपी जो है यहाँ पर निकल, निकल के ऊपर जो है दो सीपी रिंग्स अटैच्ड हैं, तो एक सीपी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है आयनिक मेथड के थ्रू 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो दो होंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, सो इट वुड बी 12। और निकल जो है इसके ऊपर चार्ज ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ये माइनस 1 होने की वजह से, तो माइनस इस पर चार्ज आए तो निकल के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि सीपी के ऊपर एक सीपी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो दो सीपी के ऊपर माइनस 2 चार्ज हो जाएगा, तो निकल के ऊपर ऑटोमेटिकली प्लस 2 चार्ज आ जाएगा। तो ये प्लस 2 चार्ज आने की वजह से जो है निकल वैसे D10 सिस्टम है, तो अब ये D10 के बजाय निकल जो है वो D10 सिस्टम है, और D10 सिस्टम होने की वजह से ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन
यहाँ पर आयनिक मेथड में इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस 2 है, यानी कि इसने दो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, लूज कर दिए हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद आफ्टर ऑक्सीडेशन इसके ऊपर जो चार्ज है प्लस 2 होने के बाद ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि अब ये D8 सिस्टम बन गया है। तो अब जो है इसके ऊपर जो टोटल चार्ज टोटल ये कंट्रीब्यूट करेगा वो 12 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 2Cp नेगेटिव एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम निकल प्लस 2। तो ये हो गए आपके पास टोटल 12 प्लस 8 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो निकलोसीन जो है आयनिक मेथड के थ्रू आपको 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कवलेंट मेथड के थ्रू। तो कवलेंट मेथड में जो निकल है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट कंट्रीब्यूट्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, और जो सीपी जो है इसके साथ एसोसिएटेड हैं, 2 CP हैं, तो वो भी एक सीपी जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, तो 2 CP होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। सो टोटल जो है 10 प्लस 10 20, तो 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। सो दोनों मेथड के थ्रू जो है आपने चेक कर लिया कि दोनों 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अनदर एग्जांपल पे। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स में अब हम आयनिक मेथड एंड कवलेंट मेथड के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इस मेटल के साथ टंगस्टन के साथ जो अटैच लिगेंड्स हैं, ये दोनों लिगेंड्स जो हैं वो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। कार्बोनिल भी न्यूट्रल लिगेंड है, और ट्राई मिथाइल फॉस्फीन जो है वो भी न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से मेटल के ऊपर जो है चार्ज वो नहीं होगा, या मेटल को आप रिप्रेजेंट करेंगे जीरो चार्ज। तो मेटल W जो है टंगस्टन वो जीरो होगा, तो टंगस्टन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, D6 सिस्टम है, तो D6 सिस्टम की वजह से ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। CO जो है इसके साथ वो 4 कोऑर्डिनेटेड सी हुए हैं, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो है इसके साथ जो ट्राई मिथाइल फॉस्फीन अटैच्ड है वो 2 अटैच्ड हैं, सो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल जो अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसमें काउंट करें तो आपके पास बनते हैं 6 प्लस 4 10 एंड 10 प्लस 8 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस कॉम्प्लेक्स में 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट जो है हम कैलकुलेट करते हैं कवलेंट मेथड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास W जो है, अब यहाँ पर हम चार्ज को मेंशन नहीं करते, ये D6 सिस्टम है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कार्बोनिल 4 हैं, 4 कार्बोनिल होने की वजह से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही कंट्रीब्यूट करेगा, और 2 ट्राई मिथाइल फॉस्फीन्स हैं इसके साथ कोऑर्डिनेटेड, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल जो है अगर आप काउंट करें इलेक्ट्रॉन्स तो ये बनते हैं 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो दोनों में ये सेम है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि क्या है, Cp2Fe। Cp2Fe जो है इसको हम कहते हैं फेरोसीन, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया है, और इसका स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से पता है। ये है इसका स्ट्रक्चर, जिसमें आयरन जो है सैंडविच्ड है बिटवीन 2 CP रिंग्स। तो ये भी मेटालोसीन है, इसमें आयरन जो है मेटल है, तो हम इस वजह से इसको कह रहे हैं फेरोसीन। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों मेथड के थ्रू हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमने बाकी एग्जांपल्स पे भी अप्लाई किया है, आयनिक मेथड एंड कवलेंट मेथड। आयरन जो है वैसे D8 सिस्टम है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। तो आयनिक मेथड में
यहाँ पर इसके पास CP2 CP रिंग्स अटैच हैं जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो आयरन के ऊपर चार्ज हो जाएगा +2, +2 होने की वजह से इट विल कंट्रीब्यूट 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो 12 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 2 CP रिंग्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आयरन मेटल, तो ये टोटल कंट्रीब्यूट करेगा 12 प्लस 6 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं कवलेंट मेथड के थ्रू। कवलेंट मेथड में आयरन जो है D8 सिस्टम होने की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। CP रिंग्स दो हैं तो 2 CP 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, 1 CP 5 इलेक्ट्रॉन और 2 CP 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से टोटल 8 प्लस 10 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें भी जो है दोनों मेथड के थ्रू हमने देख लिया कि 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये कॉम्प्लेक्स दे रहा है, इसके अंदर 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हियर आर सम ऑफ द लिमिटेशंस टू 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल। दीज आर द एग्जांपल्स दैट डू नॉट ओबे 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल। सो इनको अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे कि फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज MeTiCl3 ट्राइक्लोरो मिथाइल प्लैटिनम। इसमें अगर हम देखें टाइटेनियम, तो जो कि D4 सिस्टम है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स ये कंट्रीब्यूट करेगा, मिथाइल 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा एंड 3 Cl हैं, 3 क्लोराइड, सो इट विल कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल अगर हम इस पर काउंट करें तो 4 + 1 = 5 + 3 = 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ये कॉम्प्लेक्स जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। सो 18 इलेक्ट्रॉन से ये कम है, सो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो कि है हेक्सामिथाइल टंगस्टन। हेक्सामिथाइल टंगस्टन को देखें अगर हम, तो इसमें जो टंगस्टन है वो कंट्रीब्यूट करता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये D6 सिस्टम है और 6 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, और इसके साथ जो मिथाइल 6 मिथाइल लिगेंड्स अटैच्ड हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल जो है ये कॉम्प्लेक्स जो है इसमें 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। तो हम इसको कहते हैं कि ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो है थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं हम, थर्ड एग्जांपल जो है इसको हम कहते हैं बिस ट्राइसाइक्लो। बिस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ट्राइसाइक्लो हेक्साइल प्लैटिनम जो है ये दो प्रेजेंट है इसके साथ, जो मेटल प्लैटिनम के साथ दो लिगेंड्स अटैच्ड हैं, तो हम इसको बिस ट्राइसाइक्लो हेक्साइल फॉस्फीन प्लैटिनम कहते हैं। तो अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से लिमिटेशन शो कर रहा है टूवर्ड्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो सबसे पहले प्लैटिनम जो है D10 सिस्टम है, तो D10 सिस्टम होने की वजह से ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, और जो 2 ट्राइसाइक्लोहेक्साइल प्लैटिनम जो है फॉस्फीन जो है ये कंट्रीब्यूट करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो टोटल जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह से ये भी 18 इलेक्ट्रॉन से कम है, इसके अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इस कॉम्प्लेक्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे।
ये सारे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो लिमिटेशन शो कर रहे हैं टुवर्ड्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल। होप सो कि आपको समझ आ गया है। थैंक यू सो मच।